उड़ती हुई चिड़िया यानी ट्विटर को काबू में करने वाले एलन मस्क आखिर हम भारतीयों से क्या चाहते हैं और हमको तो छोड़ो वो ट्विटर से क्या चाहते हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी डॉट कॉम के नए शो केसरी फैक्ट फाइल्स में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2022 से, जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। लेकिन स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए यह फैसला होल्ड पर डाल दिया था और आखिर में 8 जुलाई को ट्विटर खरीदने का अपना यह फैसला तोड़ भी दिया, जिसके बाद ट्विटर के पुराने मालिकों ने एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाल दी। हालांकि केस चला और आखिरकार एलन मस्क को 28 अक्टूबर 2022 को ट्विटर खरीदना ही पड़ा। बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर एक तरीके से लॉस में ही खरीदा था। वैसे ही मस्क बड़े बिजनेस माइंडेड है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को भी बिजनेस आइडिया में बदल दिया जाए। वैसे तो उन्होंने जब ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था तब उन्होंने कहा था कि इसे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिसमें सभी लोग अपनी विचारधाराएं रख सके, अपनी बातें रख सके। लेकिन जिस तरीके से वे ब्लू टिक पर पैसे ले रही है, लगभग $8 यानी भारतीय रुपयों में 657 रुपए, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वे इसे भी एक व्यवसायिक ऐप बनाना चाहते हैं। बहरहाल इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मस्क ने ट्विटर में अब तक क्या क्या परिवर्तन किए। सबसे पहले बॉस बनते ही एलन मस्क ने भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को छुट्टी दे दी। इसके बाद सीएफओ नेट सैगल और भारतीय मूल की लीगल अफेयर पॉलिसी हेड विजय गाडे, एक एक करके उन्होंने अपने बेतुके बयान देते हुए इन तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भी वे यही नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर से लगभग 50% स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जवाब में ये कहा कि ट्विटर को $4 मिलियन यानी लगभग 32,77,95,800 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके चलते कार्यबल में कटौती करनी पड़ रही है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। अभी बात यही नहीं रुकी, उन्होंने ब्लू टिक रखने वालों के लिए यह कह दिया कि यदि ब्लू टिक रखना है और यदि इसका मेंटेनेंस करना है तो करीब $8 रुपए हर महीने यानी $8 हर महीने देने होंगे। यही नहीं, अब 4 तरह के टिक मिलने लग गए हैं भाई साहब। पहला, ट्विटर ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को ही बदल दिया है, अब लोग पैसे देकर वेरिफिकेशन टिक हासिल कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस में सरकार, कंपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज दिए जाते हैं। कंपनियों को गोल्ड टिक, सरकार को ग्रे टिक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिल रहा है, यानी अब पैसे दो और ब्लू टिक हासिल कर लो। अगर आप स्मार्टफोन यूजर्स हैं तो आपको $8 देने होंगे और यदि आईफोन यूजर्स हैं तो करीब $11 देकर ब्लू टिक हासिल करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि फीस अलग अलग देशों में अलग अलग मापी जाएगी। अब मस्क ने तो कह दिया, लेकिन इसके बाद लोगों के सवाल उठना वाजिब थे, तो मस्क ने अपना जवाब भी उसी तरीके से दे दिया। मस्क ने कहा कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन लेने पर लोगों को रिप्लाई, मेंशन और सर्च प्रायोरिटी मिलेगी, साथ ही इस फीचर की वजह से स्पैम और स्कैम दोनों पर रोक लगाई जा सकेगी। उपयोगकर्ता लंबी वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे, आधे एड देखने को मिलेंगे, जितने भी पेड आर्टिकल्स हैं उन्हें फ्री में पढ़ा जा सकेगा। साथ ही ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसमें कंटेंट क्रिएटर को फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी इतने सारे उन्होंने झांसे दे दिए, दावे कर दिए। इसके अलावा बिजनेस टाइकून मस्क ने ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल को भी रद्द कर दिया है। दरअसल ट्विटर के पास एक एडवाइजरी ग्रुप था जिसमें कई नागरिक, मानवाधिकार और अन्य संगठन शामिल थे। ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल के नाम का ये ग्रुप अभद्र भाषा, उत्पीड़न, बाल शोषण, आत्महत्या और सेल्फ हार्म जैसी दिक्कतों को सुलझाने की दिशा में काम करता था। कंपनी ने इसे 2016 में लागू किया था, लेकिन एलन मस्क ने इसे भी रद्द कर दिया। साथ ही एलन मस्क ने डॉक्सिंग को लेकर भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूजर किसी के बारे में लाइव डॉक्सिंग करता है तो उसे ट्विटर पर बैन कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, इन चीजों से ये तो साफ हो गया कि एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर में बहुत सारी चीजें बदली हैं और आगे भी कई चीजें बदल सकती है। जहां ट्विटर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था, आज ट्विटर के नए मालिक ने उन्हें भी बहाल कर दिया है। तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में ट्विटर में और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आपको क्या लगता है, अपना जवाब
हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये भी बताइएगा कि आपको हमारे ये फैक्ट न्यूज सेगमेंट कैसा लगा। देखते रहिए पंजाब केसरी.com।